मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं और इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी ताकत, जिनका आप ये समझिए उनकी पावर ये है कि वो पूरे कंटेंट्स का अर्थ ही बदल देते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पूरी कोई एक बात कही, कोई एक बात सामने रखी गई, उसको समझा, एक शब्द लास्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो कि पूरे कंटेंट्स का रुख ही बदल देते हैं। तो आज मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम डेली अपने यूज़ में, अपनी भाषा में ऐसे शब्द बोलते हैं, हम बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, समझता है और वो उस पर काम भी कर देता है और हम संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि इन अर्थों का, इन शब्दों का असली अर्थ क्या है, और ये कब पता पड़ता है, जब वो एक बार समस्या सामने आ जाती है। तो मित्रों, ये लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है और मेरा जो उद्देश्य है, जो इसका मिशन है इस प्रोग्राम का, वो ये है कि इन साधारण से शब्दों की गहराई और उनके अर्थ को समझा जाए। ये आज का सब्जेक्ट है नॉमिनेशन, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर मेरा पहले भी एक बार वीडियो आ चुका है, लेकिन लोगों की डिमांड पर, लोगों के द्वारा जो क्वेरीज की गई हैं उन सबको देखते हुए आज ही मेरा इसी सब्जेक्ट पर दूसरा वीडियो आ रहा है। तो मित्रों, जब भी आप नोट करें कि कोई बैंक अकाउंट खोलना हो, डीमैट अकाउंट खोलना हो, इंश्योरेंस कोई पॉलिसी ले रहे हों, FDR बना रहे हों, या पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खोल रहे हों, कहीं भी कुछ करें, तो एक चीज़ पूछी जाती है, एक फॉर्म दे दिया जाता है, ये क्या नॉमिनी भरना है इसमें। तो नॉमिनी में क्या भरना है, कोई एक नाम भर दीजिए और उसका एज भर दीजिए, क्या रिलेशन है, ये सब भर दीजिए। तो ये भरना ज़रूरी है, बिना नॉमिनी के वो आगे कार्रवाई नहीं हो पाती। तो उन्होंने कर लीजिए साहब, किसको भर दें, फैमिली में से भर दीजिए, नाम भर दिया और कार्रवाई हो गई, अकाउंट खुल गया, डीमैट अकाउंट खुल गया, FDR खुल गई, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, सारा काम हो गया। लेकिन इसमें एक बात ये समझ नहीं आई कि इसका, ये नॉमिनी में मैंने जो भरा नाम, वो क्यों भरा और किस उद्देश्य से भरा और उसके क्या रिजल्ट्स भी हो सकते हैं, इसको कोई बताता नहीं है और कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। तो अगर अब हमको ये समझ लेना चाहिए कि नॉमिनी पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, मित्रों बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नॉमिनी का रोल है। अब नॉमिनी का रोल क्या है और क्या अर्थ है, इसको हम समझ लेते हैं। नॉमिनी का सामान्य रूप से वो ये समझते हैं कि अगर अकाउंट जिसने खोला है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको मिलेगा, तो जिसका नाम नॉमिनी में लिख देंगे उसको मिल जाएगा। ये बात समझ में आ जाती है, बहुत आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जब कभी किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ती है तब उसकी जो पीछे से लेकिन, किंतु, परंतु वाले तीन शब्दों में जो अर्थ निकल के आते हैं उससे वो चौंकता भी जरूर है और ये कहता है कि ये तो किसी ने पहले नहीं बताया था। तो इसी को आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो नॉमिनी एक तरह का ट्रस्टी है, एक तरह का एजेंट है या एक तरह से केयर टेकर है, उसको हम मैनेजर कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि लॉ जो परमिशन देता है वो दूसरी है। अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से नॉमिनी जो है वो केवल जिसका अकाउंट है उसका पैसा निकालने तक के लिए उसका हक है, उस पर उसका मालिकाना हक नहीं है, जिसके हक में, जिसके फेवर में जो नॉमिनी है। तो बैंक उसकी, जिसका अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या इंश्योरेंस वाला है तो उसकी इंश्योरेंस, उस वाले की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको दे, नॉमिनी को देगा। नॉमिनी को किसने अपॉइंट किया, उसी आदमी ने किया जिसने पॉलिसी ली, जिसने अकाउंट खुलवाया। तो बैंक को उसने जीते जी डायरेक्शन दी कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो उसके बेनिफिट्स हैं वो नॉमिनी को दे दिए जाए। तो क्या नॉमिनी उसका टोटल हकदार हो गया, ये नहीं है। और आम लोग समझते हैं कि नॉमिनी है तो नॉमिनी का ही है, उसका ही राइट हो गया, उसका राइट नहीं होगा। अब क्वेश्चन एक नया आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई जिसने अपॉइंट किया था वो की तो डेथ हो गई, तो आखिर वो जिस नॉमिनी है उसको पैसा मिला तो वो किसको दे दे, जिसका जिसका पैसा होना चाहिए था वो तो है नहीं तो किसको दे। हाँ, अब ये वाली बात क्लियर कर देते हैं कि देखिए, एक है सक्सेशन, देखा जाता है सक्सेशन, और सक्सेशन लॉ के हिसाब से एक क्लास वन हायर्स की एक लिस्ट है, एक चैनल है, और उसमें कौन कौन है मैं इसको आगे भी बताऊंगा। तो नॉमिनी का केवल ड्यूटी ये है कि वो अपने बैंक से
जहाँ पे नॉमिनी बनाया गया है, इंश्योरेंस कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, जहाँ भी है, वहाँ से वो पैसा रिसीव करेगा एज ए रिसीवर और रखेगा कहाँ? नहीं, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी उसकी है। और तो किसको देना है? जो लीगल हेयर्स हैं, जो लीगल हेयर्स हैं, जो लीगल उत्तराधिकारी हैं, उनको वो पैसा देगा, नॉमिनी का पैसा नहीं होगा। तो अब इसमें ये जब हम वाली बात आती है कि लीगल उत्तराधिकारी, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 में एक बना दिया है चैनल, जिसमें कह दिया कि लिस्ट ऑफ क्लास वन हायर्स, क्लास वन के जो हायर्स हैं उनको देगा। और क्लास वन के हायर्स में वैसे बता दूं मैं कौन से हैं, एक तो पुत्र, पुत्री और उसकी माता जो जिसकी डेथ हुई है, उसकी मदर और उसकी वाइफ, ये चार लोग उसमें आते हैं। मतलब कौन हुआ? सन, डॉटर, विडो और मदर, ये चार लोग उसकी श्रेणी में आते हैं। तो नॉमिनी का क्या काम हो गया? नॉमिनी का काम ये हुआ कि उस पैसे को ले और वहाँ से तहसील से एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें देखा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी कौन है, और उनके उत्तराधिकारियों में जो क्लास वन के हायर्स हैं उनको वो देगा। अगर नहीं है तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा और जो कोर्ट जिसको निर्धारित करेगा अकॉर्डिंग टू सक्सेशन लॉ, उनको वो पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन नॉमिनी का नहीं होगा। ये वाली बात बिल्कुल साफ हो रही है। अब हम इसको एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। जैसे अगर एक किसी आदमी ने कोई पॉलिसी ली और उसकी डेथ हो गई, या बैंक अकाउंट है और उसकी डेथ हो गई, उसने अपनी पत्नी को नॉमिनी बना रखा है, तो क्या क्वेश्चन ये उठता है कि तो सारा उसका जितना भी पैसा मिलेगा सब उसकी पत्नी का हो गया? नहीं, नॉमिनी तो है लेकिन और भी तो हैं। नॉमिनी तो पत्नी है लेकिन उसके उत्तराधिकारी लीगल हेयर्स और भी तो हैं। तो ये क्लियर होता है कि ऐसी स्थिति में वो नॉमिनी, उसकी जो पत्नी है, उसके साथ में जो क्लास वन की लिस्ट के हिसाब से अलग से जो लोग हैं, जैसे उसके बच्चे हैं, पुत्र, पुत्री और उसकी मदर जिसकी डेथ हुई है, इन सब में वो पैसा इक्वल बटेगा। और कलेक्शन का काम कौन करेगा? एज ए नॉमिनी उसकी वाइफ करेगी। ये वाली बात हो गई। लेकिन हम इसको, ये वाला मामला एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंचा, उसको भी आज हम ले लेते हैं। मामला कौन सा है? वो है श्रीमती शरवती देवी वर्सेस श्रीमती उषा देवी। ये 1983 का मामला है। इंटरेस्टिंग है, लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इस भी चर्चा करना हमको ज़रूरी है अगर हम नॉमिनी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके फैक्ट्स भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस केस के क्या के फैक्ट्स थे। एक जगमोहन स्वरूप नाम का एक आदमी, जिसकी की डेथ 1967 में हो गई, और जब उसकी डेथ हुई तो एक उसके माइनर लड़का था, वाइफ थी और उसकी मदर और फादर दोनों जीवित थे। तो ये चार लोग थे, लेकिन उसने दो पॉलिसियाँ ले रखी थी और दोनों पॉलिसियों में नॉमिनी उसने अपनी वाइफ को बना रखा था, जिनका नाम था श्रीमती उषा देवी। अब क्वेश्चन ये हुआ कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो उसकी वाइफ थी, उसने दोनों पे क्लेम किया कि भाई ये इसका जो पैसा है इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्वेश्चन ये उठा कि उसकी जो नाबालिग जो था, माइनर बच्चा था, उसके एज ए गार्जियन उसके दादाजी और उसकी मदर, इन लोगों ने भी एक क्लेम किया। क्यों? क्योंकि क्लास वन हायर्स में वो आते हैं, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया। तो उस पर जब ये मैटर एडिशनल सिविल जज देहरादून के पास पहुंचा, तो उस पर उन्होंने सुनवाई के बाद ये होल्ड किया कि नहीं, नॉमिनी में जिसका नाम है ये पैसा उसी को मिलेगा। और नॉमिनी में किसका नाम है? नॉमिनी में तो उनकी पत्नी का नाम है, तो ये पैसा केवल पत्नी को मिलेगा। तो ये इसको चैलेंज किया गया और चैलेंज करके हाईकोर्ट पहुँचा मैटर। हाईकोर्ट इलाहाबाद, क्योंकि उत्तराखंड के बनने से पहले का मामला था, तो हाईकोर्ट ने भी सुनने के बाद यही पाया कि क्योंकि नॉमिनी में स्पष्ट रूप से उसकी वाइफ का नाम है, इसलिए ये पैसा वाइफ को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। इसको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट के ऑर्डर को और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो इसकी डिटेल से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो क्या कहा वो मैं पहले पढ़ूंगा और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। The nomination only indicates the hand which is authorized to receive the amount on the payment of which the insurer gets a valid discharge of its liability under the policy. मतलब क्या हुआ कि nomination only indicates, क्या indicates करता है कि उसको प्राप्त करने वाला, उसको receive करने वाला कौन है,
ये नहीं इंडिकेट करता कि किसको किसको मिलना चाहिए वो पैसा, ये इंडिकेट्स करता है नॉमिनेशन कि इंश्योरेंस कंपनी से कौन रिसीव करेगा, या जो भी मैटर है कोई बैंक अकाउंट है या कोई और है तो उसको रिसीव कौन करेगा, ये इंडिकेट्स करता है। आगे क्या कहते हैं, द अमाउंट हाउएवर कैन बी क्लेम्ड बाय द हायर्स ऑफ द एश्योर्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ सक्सेशन गवर्निंग देम। इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेशन लॉ के हिसाब से जो लोग बनते हैं वो उनकी क्लेम जो है वो कंसीडर किए जाने चाहिए। फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, इट इज़ हेयर वाई डिक्लेयर्ड दैट ईच ऑफ प्लेंटिव्स इज एंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन द अमाउंट रिसीव्ड अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसीज इन क्वेश्चन एंड द इंटरेस्ट विच मे हैव बीन अर्न बाई द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/3 जो शेयर है वो उस तीनों को मिलेगा, उसकी जो माइनर बच्चा है उनको भी मिलेगा और मदर को भी मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तय, जबकि क्या था, जबकि मामला बिल्कुल साफ था कि नॉमिनी में उसकी वाइफ का नाम था और दोनों पॉलिसी में, तो साफ नीचे की कोर्ट ने भी कह दिया था कि जिनका नाम नॉमिनी है उनको मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था कर दी। क्यों? क्योंकि केवल उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसे को रिसीव करने का जो रिसीवर का काम है वो उसकी पत्नी का है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू सक्सेशन लॉ के हिसाब से होगा। तो मित्रों इसी तरह का एक मामला और आया जिसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका नाम जरूर बताएंगे। उसका नाम है शिप्रा सेन गुप्ता वर्सेज मृदुल सेन गुप्ता, सिविल अपील नंबर 809/2002। इसके भी फैक्ट्स इसी तरह के थे, और नॉमिनी केवल धन, इसमें होल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नॉमिनी केवल धनराशि को प्राप्त करता है मृतक के बिहाफ पर, मृतक जो जिसकी डेथ हुई है उसके बिहाफ पर उसकी जो बेनिफिट्स हैं उनको रिसीव करने का काम नॉमिनी का होता है और वो उसका मालिक नहीं होता है। अब ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, लेकिन हर चीज़ के एक्सेप्शन भी होते हैं, जो तीन शब्द मैंने बताए थे लेकिन किंतु परंतु अब आ गया लेकिन, लेकिन में इसके एक्सेप्शन क्या है। एक है इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये 2015 में आया, और इसके सेक्शन 39 के सब सेक्शन 7 में अमेंड करके क्या किया गया, नई व्यवस्था कर दी। वो व्यवस्था क्या कर दी उस पर हम बताते हैं, क्या लिखा है देखिए, वेयर द होल्डर ऑफ ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन हिज ऑन लाइफ नॉमिनेट्स his parents or his spouse or his children or his spouse and children or any of them। देखिए इन शब्दों पे जरा ध्यान देने की जरूरत है, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them। इसका मतलब ये हुआ, अब amendment के बाद ये हो गया कि अगर life insurance का मामला है, कोई पॉलिसी है, तो उसमें पेरेंट्स माने माता पिता, स्पाउस अगर पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी, बच्चे इनमें से कोई सा भी हो अगर नॉमिनी बनाया गया है तो सारे बेनिफिट्स, सारा अमाउंट, सारी धनराशि, सारा पैसा उसी नॉमिनी का ही होगा, इसको कोई डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका पहला एक्सेप्शन हो गया, क्या कि अगर उसको कोई थर्ड बना दिया फैमिली के बाहर तो पड़ेगी, फिर वही वाला पुराना वाला लॉ लगेगा। अब अभी मैंने जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैक्ट्स बताए उसमें क्या हुआ था, उसमें दोनों पॉलिसी में नॉमिनी बना दिया था पत्नी को तो फिर नहीं, और लेकिन वो केस इस अमेंडमेंट से पहले का था, अगर वही केस अमेंडमेंट के बाद का होता तो सबको फिर तो केवल पत्नी पत्नी को ही मिलता क्योंकि वही नॉमिनी थी, लेकिन उस समय ये अमेंडमेंट नहीं था तो इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि इसको अकॉर्डिंग टू सक्सेशन लॉ क्लास 1 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर किया, व्यवस्था कर दी। लेकिन अब ये एक्सेप्शन हो गया, तो क्या एक्सेप्शन हो गया कि अगर वो जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का मामला है, तो उसमें अगर नॉमिनी क्लास 1 की जो लिस्ट है उसके तहत अगर पेरेंट्स हैं को नॉमिनी बनाया गया है, स्पाउस को बनाया गया है या बच्चे को बनाया गया है या इनमें से किसी को बनाया गया है, इनमें से सबको बनाया गया है,
तो जिसका भी बना दिया गया उसी का ही पैसा होगा, इसको किसी तरह से और लोगों को कोई राइट नहीं होगा। अब ये वाली बात तो क्लियर हो गई। इसका दूसरा एक्सेप्शन भी है। दूसरा एक्सेप्शन है बिल। अब वो बिल मैं बताता हूँ कैसे। अगर उन्होंने किसी फैमिली से अलग तीसरे आदमी को नॉमिनी बना दिया या किसी को भी बना दिया और साथ में उनकी एक बिल भी निकल आई उनकी डेथ के बाद, और विल ये कहती है कि अकाउंट नंबर या पॉलिसी नंबर सच एंड सच जिन जो भी पॉलिसी है उसकी, उसमें जो नॉमिनी बनाया गया वो सारा पैसा उसी का होगा, तो अगर विल में ऐसी बात कह दी तो फिर इसको कोई नॉमिनी का ही सारा पैसा होगा, फिर किसी को और देने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये भी दूसरा एक्सेप्शन हो गया। मित्रों इसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिज्ञासावत निकलती हैं, तो उनको भी मैंने क्वेश्चन के रूप में ले लिया। अब मैंने देखिए चार क्वेश्चन बना दिए। पहला क्वेश्चन क्या, जो लोग चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, यदि नॉमिनी की डेथ, जिसको नॉमिनी बनाया गया है और पॉलिसी करने वाले या अकाउंट होल्डर से पहले ही अकाउंट होल्डर ने अपने अकाउंट में एक को नॉमिनी बना दिया, लेकिन जिसकी जिसको नॉमिनी बनाया उसी की डेथ हो गई, तब क्या किया जाएगा? तो फिर जिसने अकाउंट खोला था उसकी डेथ के समय में पता चला कि नॉमिनी की तो डेथ उससे भी पहले हो चुकी है, तो क्या होगा? तो ऐसे मामले में जो भी पैसा है, जो धनराशि है, उसको एज पर सक्सेशन लॉ के हिसाब से, वही जो मैंने बताया क्लास वन की लिस्ट के हिसाब से, अगर क्लास वन की लिस्ट में कोई नहीं है तो क्लास सेकंड की लिस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा, करना होगा नॉमिनी का, क्योंकि नॉमिनी तो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्या नॉमिनेशन में बदलाव किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन देकर बताया जाएगा कि पहले ये नॉमिनी थे, इनका नॉमिनी को हटा दिया गया है, नया नॉमिनी इसमें ये कर दिया गया है, उनके जो KYC है वो भी करवा दिया जाएगा और वो नाम बदला जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है? जी हाँ, माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है, बशर्ते जो माइनर है उसके गार्जियन जो हैं उनके KYC लगेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। चार नंबर का क्वेश्चन है, क्या एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, एक से ज़्यादा नॉमिनी भी बनाई जा सकती हैं और उनका शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कि जिस समय नॉमिनी बनाए उस समय चार बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, जितने भी हैं, और उनका शेयर भी लिख दिया जाए, कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनकी डेथ के बाद उनका जो भी बेनिफिट्स हैं, उनका जो पैसा है वो उसी अकॉर्डिंग्स में बैंक या पॉलिसी या जो भी है पोस्ट ऑफिस वो उसी हिसाब से दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाए और शेयर वगैरह नहीं क्लियर किया कि कितना परसेंट रहेगा, तो वो इक्वल कर दिया जाएगा, इक्वल इक्वल शेयर कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल जैसी बात आती है, जैसे फैक्ट्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया कि नॉमिनी। अब एक क्वेश्चन ये उठा कि जैसा कि आज के थंबनेल में है कि सावधान, तो इसमें सावधानी की क्या ज़रूरत है? जी, सावधानी की ज़रूरत है। नॉमिनी बनाते समय इन सब बातों को ध्यान से, गौर से, आगे की कल्पना करके आप नॉमिनी बनाएं कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो नॉमिनी का एक्शन कैसा होगा, क्या वो आपको जिन लोगों को चाहते हैं वहाँ तक उसकी धनराशि उनके बेनिफिट्स पहुँचाने के लिए सक्षम होगा या नहीं होगा। इन सारी बहुत ही बारीकी बातों पर विचार करने के बाद ही नॉमिनी का भरना चाहिए, यह नहीं। जबकि होता क्या है, प्रैक्टिकली एक नाम भर दिया, हो गया, बहुत सही होता है, कोई दिक्कतें नहीं होती, लेकिन जहाँ दिक्कतें आती हैं वहाँ एक लंबी दिक्कत आती है, सावधानी की ज़रूरत है। मित्रों आज का जो ये वीडियो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, छोटी सी बात की गहराई कितनी होती है इस बात को समझने की ज़रूरत है, और जब भी इस तरह के फैसले लेने हों शांति से आगे तक की परिस्थितियों को, अपने परिवार की, अपने घर की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इन सबको तय करना चाहिए। और मेरा आपसे एक निवेदन है क्या, कि पूरे वीडियो को आप सुनिए, पूरे वीडियो को सुना करिए, उसके बाद बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, आधा सुनने के बाद एकदम क्वेश्चन कर देते हैं, तो होता क्या, जबकि उसका आंसर उसी में ही होता है। पूरा वीडियो को सुने, अपने मित्र लोगों को, परिवार के लोगों को उसको शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सकें। नमस्कार।